पंजाब सरकार दी कहनी ते करनी च की अंतर है अज तुहानू विखाउंदे आ। तस्वीरां जीरा दीआं ने जिथे वाख-वाख किसान जथेबंदियां वालों इकट्ठे होके मार्केट कमेटी दफ्तर जीरा दे गेट अगे धरना लगाया गया। पत्रकारां नाल गल्लबात करदिआं किसान आगुआं ने कहा कि पंजाब सरकार दे वालों कणक दी खरीद ते कीते गए वधिया प्रबंधां दी पोल अज दाणा मंडी जीरा विखे खुलदी नजर आ रही है, जिथे पिछले कई दिनों तो किसान फसल की खरीद ना होने के चलदे मंडियां विच रुलन नूं मजबूर है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार दीआं खरीद एजेंसियां वालों कणक की खरीद नूं लैके जो मापदंड अपनाए जा रहे ने वो किसान यूनियन कदे भी बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि खरीद एजेंसियां दे इंस्पेक्टरां वालों आड़तियां नूं बारदाना देने मौके पक्षपात किया जा रहा है, जिसके चलद किसानों की फसल की खरीद नहीं हो रही है। किसान जिहड़ा रपुत्तां वांगू फसल पाल के कणक दी लियांदी आ ते सरकारी दावे जिहड़े कर रहे सी ना वी कणक दा इक इक दाणा खरीदिया जाऊगा, अज वेखो किसान मंडियां दे विच रो रहा मच्छर किसानां नूं खा रहा। इन्हां दे जिहड़े मापदंड आ जिहड़े ये नवे अपना रहे आ, FCI अपना रहे, पंजाब दीआं एजेंसियां जिहड़ियां कहिंदियां बरीक दाणा असीं इहनूं बड़ी सफाई लैणी आ, बरीक दाणा नहीं लैणा, वो किसान कित्थों लियावे मोटा दाणा कित्थों लियावे। ये जिहड़ा ना इहनां जाणबुझ के जिहड़ा ना सानूं किसानां नूं तंग परेशान कर रही आ, जाणबुझ के मोदी सरकार दे इशारे ते पंजाब सरकार भी जिहड़ी आ ना वह जाणबुझ के किसानां नूं मंडियां दे विच रोल रही। अज बड़ी दुखदाई दी गल है, इत्थों दा इक जिहड़ा बड़ा अड़ियल इंस्पैक्टर बलजीत सिंह पनगरेन का, जिन्हें ना कल भी जिहड़ा सानू समुचियां जथेबंदियां नूं कहा जो करना कर लिया जो, पर असीं करके दिखावांगे। इस अड़ियल रवैया जिहड़ा इहदा इंस्पैक्टर दा वो किसानां प्रति बहुत निंदनयोग आ, क्योंकि जे अज जिहड़ी गल सुनने चाहिए जे बलविंदर सिंह इंस्पैक्टर आदे तो दूजा छैलर के माल तुर रहा, मंडी के किसान रोलिया, मंडी में किसी किसान का एक बैग भी नहीं भरया जा रहा, तो उन्होंने जो बलविंदर हुणां का इंस्पैक्टर आ एजेंसियां के उन्होंने माल तुर रहा। जे बंटी हुणां दे बंटी हुणां नूं एक एक ट्रक बारदाने का मिल रहा, दूजे आड़तियां क्यों नहीं मिल रहा। इत्थे बड़ा जिहड़ा वितकरा हो रहा। असी पंजाब सरकार तो मांग करते हैं भी ये जी जड़िया इन एजेंसियां इन्हों नत्थ पाई जाए, इन्हों किसानां दा एक एक दाणा जिहड़ा खरीदिया जाए, किसानां दे पुत्तां वांगू फसल पाली है इनू रोल ना दिता जाए। जी मियां सिंह वाला भारतीय किसान यूनियन लखोवाल दा नाल साडे कादियां वाले ग्रुप आ, सारे वीर इकट्ठे होए आ, वख-वख जथेबंदियां होर भी आ रही जी, असी इसे करके कट्ठे हुए हैं जी। वेखो पिछले 5 महीने तो असी सारे दिल्ली जोर ला रहे हैं, तुहानू सारयां नू पता इत्थे साडे जीरे दे विच जिहड़ी गल चल रही है जी, जिहड़ी जिहदा तां जोर है जी, वह एक एक ट्रक बारदाने नाल जा रहा, जिहदा विचारे दा नहीं जोर आड़तीए दा, 10 दिन जिहड़ी असी कणक लेट वड्डी है जी, इसे करके भी जिहड़ी कणक अगे पिछे 19-21 चल जाती सी, जिहड़ी भी कणक जिहड़ी मोर्चे ते जिहड़ी सरकार ने कहा असी उहदे तों भी सकाई है, पर साडे नाल बेइनसाफी उदों होई जदों 10-10 दिन तो मंडियां च, कल भी सानू मरखाई मंडी धरना ला के कणक जखाउणी पई, जदों धरना लग जांदा फिर इन्हां दे कोले कित्थों सब कुछ आउंदा है, जिहड़ियां धक्के छाइयां उहदे विरोध दे विच साडियां भैणां बीबियां आ के बैठियां, असी जिहड़ा जीरे मंडी दे विच अज दाणा जखा के उहनां च नहीं उठांगे, असी इन्हां इंस्पैक्टरां नूं दस देंगे जे बलविंदर दे शैलर दे विच सिद्धियां ट्रालियां लई जांदियां उहदे कोले बारदाना बहुत आ ते साडे वास्ते बारदाने की घाट आ, असी उन्ना चिर नहीं उठांगे जिन्ना चिर सानू इत्थे प्रशासन आके विश्वास नहीं दिंदा ते खरीद जिहड़ी आ सुधारदे नहीं, इहनू आपदे प्रबंध उन्ना चिर इत्थों नहीं उठांगे। वाहिगुरू जी, मैं तुहानू दस्सांगा वी मेरे नोटिस पहलां नहीं सी हैगा, इह प्रधान जी हरी आए आ मेरे कोल आए हुण लौटे आ, मैं एजेंसियां वालिआं नूं वी बुला लिआ हैगा, जे कोई मसला हैगा असीं सॉल्व कर दिंदे, कोई मसला नहीं हैगा सर, देख लैंदे जे कोई मेरे ख्याल तक जे दित्ता नहीं, जे दित्ता होगा तो आपां देख लैणे, जे कोई तुहानू घट्ट मिले तुहानू दवा देणे बाद तां जिहड़ा ओह देखांगे, कार्रवाई करांगे, जो बणदी होगी असीं करांगे, जो साडे वालों तुसीं करांगे। किसान जथेबंदियां तुहाडे इन्हां नूं असीं वीर जी नूं असीं हत्थ जोड़ के बेनती करांगे इन्हां नूं भाई भी तुसीं थोड़ा जिहा साडा सहयोग दिओ, साडे नाल चलो, जे कोई प्रॉब्लम आती तां मैनूं दस्सो, तुसीं मैं बैठा हाँ तुहाडे वास्ते 24 घंटे इत्थे हाजिर हाँ, ते तुहाडे मसले हल करन वास्ते बैठे, मसले हल करांगे जी तुहाडे। जीरा तों सतीश विज दी रिपोर्ट, NC7 न्यूज़।